हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट चैप में। यहाँ हम बात करेंगे कुछ हस्तियों की और कुछ बस्तियों की, कुछ आज की कुछ कल की। दोस्तों, मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ वो ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर हो। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं जिस हस्ती, जिस सुपरस्टार, जिस सुपरहीरो की बात करने जा रहा हूँ, जी हाँ, वो मेरे लिए सुपरहीरो से कम नहीं है और शायद हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों के दिलों में भी उन्होंने वही मुकाम पाया हुआ है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम आज बात करने जा रहे हैं MHD की, महेंद्र सिंह धोनी जी की, जिन्हें दुनिया कैप्टन कूल के नाम से भी जानती है। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें प्यार से माही भी कहा जाता है, भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। झारखंड के एक छोटे से शहर रांची में 7 जुलाई 1981 को जन्मे धोनी ने अपनी साधारण शुरुआत से असाधारण सफलता तक का सफर तय किया। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, लगन और अपने सपनों को पूरा करने की मिसाल है। धोनी के पिता पान सिंह मैकॉन कंपनी में काम करते थे। उनकी माँ देव की देवी एक साधारण गृहिणी थी। धोनी का झुकाव बचपन में फुटबॉल और बैडमिंटन की ओर था। वो स्कूल में फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे। उनके कोच ने उनकी एथलेटिक क्षमता देखकर उन्हें क्रिकेट खेलने की सलाह दी। यहीं से उनकी विकेट कीपिंग की शुरुआत हुई। धोनी ने रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी की। वे 2001 से 2003 तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, लेकिन उनका सपना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना था। इस दौरान उन्होंने अपनी नौकरी और क्रिकेट के बीच संतुलन बनाए रखा। धोनी की मेहनत रंग लाई जब 2004 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला। हालांकि उनका डेब्यू यादगार नहीं रहा, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी शैली और शांत स्वभाव ने उन्हें खास बना दिया। 2005 में धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी खेली, जो उनकी पहचान बनी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2007 में धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। धोनी के नेतृत्व में भारत ने पहला T20 विश्व कप 2007 में जीता। धोनी की ही कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद 2011 में विश्व कप जीता। फाइनल में उनकी नाबाद 91 रनों की पारी और आखिरी छक्का हर भारतीय के दिल में बस गया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी भारत ने धोनी की कप्तानी में ही जीता। धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी मैदान पर अपना आपा नहीं खोते। उनकी सोचने की क्षमता और दबाव में सही फैसले लेने की कला ने उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक बनाया। 15 अगस्त 2020 को धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि वो इंडियन प्रीमियर लीग IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहे और टीम को कई बार खिताब जिताया। धोनी की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। छोटे शहर से आने वाले धोनी ने ये साबित कर दिया कि सही मेहनत और दृढ़ता से आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। आज धोनी न केवल क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, बल्कि एक प्रेरणा भी हैं। उनकी विनम्रता और सफलता की कहानी हर युवा को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए साहस और मेहनत सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।